अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें। तो अपने घर में एक बर्तन लें, उसमें जितना भी बचा हुआ आपका जल या दूध है उसको उसमें डाल दें, साथ में अपनी शिवलिंग को रख दें, उस पर चढ़ाते हुए सारे जल को डाल दें, और साथ में जिस चरणामृत जैसे दूध दही वगैरह से आपने जिससे उनका उन पर चढ़ाया है उस सबको भी, जितना भी आपको इस बर्तन में पानी है उसको भी उस पात्र में डाल दें और शिवलिंग को पूरा डुबो दें। और फिर जब आपकी शिवलिंग पूरी तरीके से पिघल जाएगी तो उसको किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि हमने एक बर्तन लिया है जिसमें शिवलिंग को रखा है और उसमें सारा बचा हुआ दूध जल और जो सब कुछ हमने पूजा के दौरान चढ़ाया था उसको उस बर्तन में डाल दिया है। अब इसको हम सुबह तक छोड़ देंगे और सुबह उस पानी मिट्टी मिले हुए पानी को किसी वृक्ष के नीचे डाल देंगे। आपके पास अगर कोई वृक्ष नहीं है तो आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं। शिव शंभू।